नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें एक झलक में। नजर डालते हैं दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है। एमवीए ने विधानसभा की 288 में से 260 सीटों पर बंटवारे का मुद्दा सुलझा लिया। मुंबई की 3 सीट समेत 28 सीटों पर अभी सहमति बनना बाकी है। जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज अमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। खास बात यह है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद अमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम होंगे। बहराइच से सांप्रदायिक तनाव इतना बढ़ गया कि आज इंटरनेट बंद करना पड़ा। लखनऊ से गृह सचिव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का दौड़ा कर बहराइच पहुंचना पड़ा, क्योंकि यहां पुलिस ना तो हिंसा रोक पाई ना ही सीएम योगी के कड़े निर्देश के बावजूद आज दोपहर तक बहराइच का पुलिस प्रशासन हालात संभाल पाया। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। इन आतंकी सहयोगियों से गोला बारूद और हथियार भी किए बरामद। बता दें कि हाइब्रिड आतंकवादी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दिखने में सामान्य होते हैं, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं। यूक्रेन का मुद्दा उठाने के लिए उनका आभारी हूं। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। यूक्रेन मुद्दे पर पुतिन ने कहा, रूस इसे शांतिपूर्वक हल करने में रुचि रखता है। हमने नहीं बल्कि यूक्रेनी पक्ष ने बातचीत रोकी। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान वह हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार रखते हैं, इसके लिए मैं उनके आभारी हूं। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पहुंचे रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के जुलमी में। सरकार आपके द्वारा समस्या समाधान शिविर में सुन रहे हैं लोगों की समस्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, खाद संस्करण, फिनटेक, स्वास्थ्य, खेल शिक्षा, प्राइवेट इक्विटी फंड, नवाचार, रक्षा, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के ब्रिटिश निवेशकों को राजस्थान में निवेश का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने लंदन इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 का अनावरण किया। बेंगलुरु टेस्ट में भारतीय टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया महज 46 रनों पर सिमट गई। यह टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय सरजमी पर भारत का सबसे कम स्कोर है। इसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आसानी से रन जोड़े। सलमान खान के पिता सलीम खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। गैंगस्टर लॉरेंस और उसकी गैंग के एक्टर को लगातार मिल रही धमकियों के बीच उनके पिता सलीम खान ने साफ तौर पर कहा कि सलमान के पास माफी मांगने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी काले हिरण का शिकार किया ही नहीं। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अब एक वेब सीरीज बनने वाली है। नोएडा ब्रेस्ट प्रोड्यूसर अमित जानी ने हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट की है। मेकर्स ने सीरीज का टाइटल लॉरेंस ए गैंगस्टर स्टोरी फाइनल किया है। सीरीज को इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन से अप्रूव भी मिल चुका है। खबरें एक झलक में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। Thank you.